नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आजकल पावर सेक्टर की कंपनियों में तेजी का दौर है। और क्या ऐसे स्टॉक जो पावर सेक्टर्स के हैं वो आपके पोर्टफोलियो में शामिल हैं, तो आज आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिट भी बना रहे होंगे और आगे भी आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बनने वाले हैं। तो कौन सी वो कंपनियां हैं जो इस समय इस तेजी के दौर में शामिल हैं, जिनके ऊपर बहुत सारे प्रेडिक्शंस भी आ रहे हैं, काफी सारे ब्रोकरेज हाउस की भी गुड रिपोर्ट्स उनके बारे में आ रही है, गुड न्यूज आ रही हैं। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको समय से मेरी वीडियो मिल सके। कोई बकवास नहीं, सीधा पॉइंट की बात करेंगे। जिस तरीके से पावर सेक्टर की कंपनियों में तेजी का दौर है, सरकार भी लगातार इस सेक्टर पर फोकस बनाए हुए है, ये आप सभी लोग जानते हैं। और एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स मिलने के कारण और कई प्रोजेक्ट्स की शुरुआत होने से कंपनी के शेयरों में अपने इन्वेस्टर्स को मोटी कमाई करने की जो अपॉर्चुनिटी दी है इन स्टॉक्स ने, ये बेहतरीन है। चाहे मैं बात करूं तो एनटीपीसी की, चाहे पावर ग्रिड कंपनी के बारे में हम बात करें, एनएचपीसी की बात करें, या फिर एसजेवीएन की बात करें, जीएसडब्ल्यू एनर्जी की बात करें, तो इस तरह की ये कुल मिला के आप जो कंपनियां जानते हैं पावर सेक्टर्स की, तो उन कंपनियों का अगर पुराना रिकॉर्ड 6 महीने का आप देखेंगे, तो 6 महीने के अंदर 30% से 90% तक के रिटर्न इन कंपनियों ने बना कर दिए हैं। और हाल ही में इन कंपनियों में कुछ और भी, इन कंपनी में मतलब बड़े प्रोजेक्ट्स इन कंपनी को मिलने के कारण एक गुड न्यूज की तरह से खबर इस तरह से मार्केट में है कि जो इसकी तेजी को बहुत सपोर्ट भी कर रहा है। और ऐसे में आज मैं बात करूंगा इन पावर सेक्टर की कंपनियों के बारे में, तो मैं जल्दी से स्टार्ट करता हूं। आप लोग वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। अगर आपके पोर्टफोलियो में अभी भी रेड जोन है, यानी कि आपका पोर्टफोलियो रेड जोन में है, यानी कि लॉस में है, तो आपको ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूर यकीन मानिए आपको जरूर फायदा होने वाला है। फिर भी कुछ ऐसी बात रहती है जो वीडियो में आपको समझ में नहीं आती है, तो आप मुझे कमेंट करके लिख भी सकते हैं। हम बात कर रहे हैं पावर सेक्टर की, तो पावर सेक्टर को प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से करीब बहुत बड़ी सौगात मिली है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंडे को 56,000 करोड़ रुपए, जी हाँ, 56,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया। वहीं 2 से 3 दिन में करीब 1,00,000 करोड़ से ज्यादा के गवर्नमेंट ने उद्घाटन किए हैं और उनके शिलान्यास किए हैं। पीएम मोदी ने सोमवार को मंडे को 53,000 करोड़ की जो प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन किए और उनका शिलान्यास किया, तो उसमें एनटीपीसी को करीब करीब 30,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स एनटीपीसी को मिले हैं। पीएम मोदी जी ने पेड़ा, एक जगह है पेड़ा पल्ली थर्मल पावर प्लांट के यूनिट का भी उद्घाटन किया। पेड़ा पल्ली प्लांट के यूनिट 2 की जो कैपेसिटी है वो करीब करीब 800 मेगावाट की है। इसके अलावा झारखंड में सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ है, तो झारखंड का करणपुरा प्लांट जो बना है, तो उसका जो उद्घाटन हुआ वहां पर करीब करीब 660 मेगावाट की उसका प्रोडक्शन होगा पावर का, और करीब 300 करोड़ की लागत वाले 4G एथेनॉल प्लांट की भी नींव रखी गई है। वहीं एनटीपीसी कंपनी के बोर्ड ने 3 मार्च 2024 को, जी हाँ 3 मार्च यानी कि अभी की हम बात कर रहे हैं, 3 मार्च 2024 को अपनी बैठक में सिंगरौली सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 3 जो 800 मेगावाट से ज्यादा के लिए करीब करीब 17,200 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को भी मंजूरी दे दी है। तो ये एक बहुत अच्छी और गुड न्यूज है। एनटीपीसी ने ट्यूजडे को अपने ऑल टाइम हाई 359 को भी टच कर लिया था। अगर रिटर्न पर नजर डालें तो इस कंपनी ने 1 महीने में 6% से ज्यादा का रिटर्न दिया है और 6 महीने के अंदर 53% का रिटर्न दिया है और 1 साल में करीब 102% का रिटर्न दिया है। और अगर बात 5 साल की करेंगे, 5 ईयर्स की, तो 5 ईयर्स में 181% से ज्यादा के रिटर्न एनटीपीसी ने बनाकर दिए हैं। तो ये बात है एनटीपीसी की। अब बात करूंगा नेक्स्ट कंपनी पावर ग्रिड की, तो पावर ग्रिड की जो बात है उसके लिए भी मंडे को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी पावर ग्रिड के 7 प्रोजेक्ट्स का जो उद्घाटन किया था, इनकी नींव रखी है। साथ ही कंपनी के बोर्ड ने एनसीडी यानी कि नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर के जरिए रकम जो अर्निंग पैसा जुटाने की जो स्कीम होती है उसको मंजूरी मिली है और कंपनी इससे करीब करीब 1,200 करोड़ रुपये कमाएगी। हम बात कर रहे हैं पावर ग्रिड की, तो एनसीडी एक तरह का वो डिवेंचर होता है जिन्हें शेयर या इक्विटी में बदला नहीं जा सकता है और ये एक लंबे टाइम यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का तरीके या उसी की तरह फाइनेंशियल का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके जरिए कंपनी पैसा जुटाती है और कंपनियां इस पर एक जो भी इन्वेस्ट करता है या इन्वेस्टर जो भी होता है तो उसको एक इंटरेस्ट रेट उस पर तय करती है और वो उनको देती है। पावर ग्रिड ने मंडे को अपना करीब 297 का जो हाई है वो 52 वीक का हाई इन्होंने मंडे को टच किया है और ये एक तरह का अपना ऑल टाइम हाई टच ही था। ट्यूजडे को इससे पहले शेयर में हल्की गिरावट देखने को मिली थी। अगर रिटर्न की मैं बात करूंगा तो इस कंपनी ने 1 महीने में अपने इन्वेस्टर्स को करीब करीब 4% का रिटर्न बना कर दिया है, जी हाँ 4% का, और 6 महीने की बात करेंगे तो 6 महीने में करीब 54% का रिटर्न दिया है। 1 साल में पावर ग्रिड ने 72% का रिटर्न दिया है और 5 ईयर्स की बात करें तो करीब करीब 180% का रिटर्न पावर ग्रिड ने बनाकर दिया है।
तो ये इस तरह की तेजी लगातार देखने को पावर सेक्टर में अभी भी मिलने वाली है। इसके अलावा मैं बात करूंगा एनएचपीसी की, तो एनएचपीसी के जो अभी जो करंट की न्यूज है उस पर हम बात कर रहे हैं, तो मोदी जी ने जैसलमेर में एनएचपीसी के करीब 380 मेगावाट का जो प्लांट है उसका इनॉग्रेशन मंडे को किया। इसके अलावा कंपनी को लेकर एक खबर आई कि राजेंद्र प्रसाद गोयल को कंपनी का नया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। एनएचपीसी के शेयर में बात करें तो मंगलवार को इसमें ट्यूजडे को जो अभी रिसेंटली ट्यूजडे गया है उसको उसमें आप देखेंगे तो बहुत तेजी देखने को मिली थी। इससे अपना एक तरह का अपना हाई का रिटर्न भी इसने ट्यूजडे को ही तोड़ा है। एनएचपीसी के रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो एक महीने के अंदर इन्वेस्टर्स को 12% से ज्यादा का इसमें एनएचपीसी में नुकसान हुआ है। हालांकि अगर 6 महीने का आप ट्रैक रिकॉर्ड चेक करेंगे तो 75% के आसपास रिटर्न भी बनाकर इस कंपनी ने दिया है एनएचपीसी ने, और एक साल में अगर आप देखें तो 130% का रिटर्न दिया है और 5 ईयर्स के अंदर 265% का रिटर्न एनएचपीसी ने भी बनाकर दिया है, और आने वाले समय में ये स्टॉक बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अगले शेयर पे बात कर लेते हैं। सरकार ने एसजेवीएन को भी बहुत बड़ी सौगात दी है। सरकार ने एसजेवीएन की करीब 5515 करोड़ की लागत से 4 प्रोजेक्ट नेशन को ये लोग इन लोगों ने समर्पित किए हैं और 3 की आधारशिला रखी है। ये पवन बिजली बनाएगी यानी कि विंड वाली जो बिजली होती है, साथ के साथ सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन्होंने उत्तराखंड में लगाया है, साथ में उत्तर प्रदेश में इन्होंने लगाने का प्लान किया है, साथ में आसाम में। इसमें अगर उत्तराखंड की मैं बात करूँ तो उत्तराखंड के अंदर एसजेवीएन में जो प्लांट लगेगा एसजेवीएन का वो 60 मेगावाट की कैपेसिटी का होगा और उत्तर प्रदेश में करीब 75 मेगावाट का इनका प्रोजेक्ट लगना है। साथ के साथ एक इनका जो सोलर एनर्जी का स्टेशन करीब 50 मेगावाट का वो भी यूपी में लगना है। तो इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने एसजेवीएन को 3 परियोजनाओं का करीब 382 मेगावाट का सुन्नी बांध पन बिजली परियोजना, हिमाचल प्रदेश में करीब 15 मेगावाट का नांगल फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना आसाम में और 70 मेगावाट सौर्य यानी कि सोलर ऊर्जा प्रोजेक्ट का भी इनका ये जो प्रोजेक्ट है वो भी इन्हीं को ही मिला है। और करीब करीब अगर इस सारे प्रोजेक्ट की अगर जो प्रोजेक्ट मैंने आपको बताए हैं एसजेवीएन के लिए तो उनका सबका अगर अनुमानित अगर आप देखेंगे प्रोजेक्ट की कॉस्ट देखेंगे तो करीब करीब 1100 करोड़ रुपए है। एसजेवीएन में ट्यूजडे को हालांकि थोड़ा डाउन देखने को मिला था, थोड़ा प्रेशर देखने को मिला है और यह करीब 121 रुपए पर करीब करीब अभी ट्रेड कर रहा है। एसजेवीएन ने अपने एक महीने का अगर आप देखेंगे तो 18% का इसमें एक तरह से लॉस हुआ था अगर 1 मंथ का रिटर्न देखें। हालांकि 6 महीने में अगर आप पूरा रिटर्न इसका चेक करते हैं 6 मंथ का तो 6 मंथ के अंदर करीब 90% यानी 90% के रिटर्न बनाकर इस कंपनी ने एसजेवीएन ने दिए हैं 6 मंथ के अंदर, और एक साल में अगर आप चेक करेंगे तो 228% के आसपास के रिटर्न बनाकर दिए हैं। 5 साल का अगर आप चेक करेंगे तो 5 ईयर्स के अंदर करीब 392% का यानी करीब करीब आप 400% के रिटर्न इसको मान सकते हैं जो 5 साल के अंदर एसजेवीएन ने बनाकर अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। वहीं पिछले सप्ताह की मैं बात करूं तो एक कंपनी है जेट एनर्जी लिमिटेड, तो जेट एनर्जी लिमिटेड की सहयोगी कंपनी जेएस न्यू एनर्जी लिमिटेड को एसजेवीएन लिमिटेड की तरफ से 700 मेगावाट के कैपेसिटी के क्षमता वाले जो कैपेसिटी वाले होते हैं उसका सोलर पावर प्रोजेक्ट का काम मिला है। जेट एनर्जी लिमिटेड में भी मंगलवार को गिरावट रही थी लेकिन अगर मैं रिटर्न की बात करूंगा तो वो किसी से कम नहीं है। एक महीने के अंदर 4% के रिटर्न कंपनी ने बनाकर दिए हैं और 6 महीने की बात करें तो 6 महीने के अंदर 35% रिटर्न बना कर दिए हैं। एक साल की अगर बात करेंगे 1 ईयर के अंदर 90%, 5 ईयर्स के अंदर 645% का बम्पर रिटर्न दिया है। तो ये सारी जितनी भी जानकारी है वो मैंने आपको दी है, आप समझ सकते हैं किस तरीके से पावर सेक्टर की कंपनियां के स्टॉक को आने वाली तेजी की ये अभी एक शुरुआत है और पावर कंपनियों में ऐसा आप मान सकते हैं कि आने वाले समय में आपकी लॉटरी लग सकती है। इन पूरी जो कंपनियां मैंने आपसे डिस्कस की हैं चाहे वो एसजेवीएन हो, एनएचपीसी हो, पावर ग्रिड हो, तो जो भी कंपनियां मैंने आपसे डिस्कस की है अगर ये कंपनियों के जो स्टॉक है आपके पोर्टफोलियो में होते हैं और कुछ समय यानी कि लंबे समय का थोड़ा सा भी आप प्लान करके चलते हैं तो आपको ये बहुत ही बड़े बम्पर रिटर्न्स बनाकर देने वाली है। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि आपने भी इन कंपनियों में इन्वेस्ट किया है तो आप बताइएगा जरूर मुझे, आप अपना कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें। सभी को नमस्कार।